हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों समुद्र, उसके बाद लिखा है मछली और जंतु, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है इस क्वेश्चन में, एकदम अंत तक बने रहिएगा, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ का संबंध लिखा है भूकंप, उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, जैसे बुखार है, डॉक्टर है, ताप है, पारा है, क्या होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा, यानी कौन सी संख्या हम लोग भर सकते हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 46 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों, जो देखते ही आंसर कर लेंगे सारे प्रश्न, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट SSC GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों SSC GD कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है, और इस बुक में क्या है दोस्तों 2024 तक के सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए इसमें, इस बुक में आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे 2024 का जो एग्जाम हो उसका मिल जाएगा, इसी प्रकार से 2023 का मिल जाएगा, 2021 का, 2019 का। देखिए ना, जैसे ही आप इस बुक को परचेज करेंगे यानी खरीदेंगे, तो आपको बुक के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपका सिलेबस है, यानी आपके जो एग्जाम में आएंगे, जैसे ये मैथ का बुक हुआ, तो इसी प्रकार से रीजनिंग का भी दिखाएंगे, तो 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे संख्या पद्धति पहले क्या होता है, उसी तरीके से इसके बारे में जानकारी दिया है, LCM, SCF, डेसिमल फ्रैक्शन, सरलीकरण, इसी तरीके से देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबको एकदम बारीकी से इस बुक में दिया गया है। उसके बाद देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब नंबर सिस्टम का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, जैसे देखिए SSC GD 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, उसी प्रकार से SSC GD 2024 का शिफ्ट 2 का, इसी प्रकार से देखिए सब क्वेश्चन आपको यहाँ 2024 का दिखा, इसी तरीके से आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2023 का दिखेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के जैसे नंबर सिस्टम, इसी प्रकार से आगे चैप्टर में जाएंगे तो LCM, SCF, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सब चैप्टर को आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। और सबसे मेन खासियत क्या है, बारीकी से इस बुक में एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन दिया है दोस्तों, यहां पर आप जैसे ही देखेंगे ना, ये देखिए सॉल्यूशन को देखिए एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका से समझाया गया है, सबसे मेन तो यही है। तो देखिए इसमें अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, एकदम बारीकी से हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से कवर किया गया, जैसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, एकदम शॉर्ट और सबसे सरल तरीका से बताया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा SSC GD भर्ती के लिए देखिए अलग अलग बुक को निकाला गया है, जिस प्रकार से अभी आपने रीजनिंग को देखा चैप्टर वाइज बुक है, इसी प्रकार से मैथ का हो गया, GK का हो गया, हिंदी का हो गया, इन सभी बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जैसे चक्षु प्रकाशन का खुद वेबसाइट से ले सकते हैं, या फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील, तो हर जगह पर उपलब्ध है, तो जरूर इन बुक को परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए कह रहा है कि सिस्मोग्राफ का संबंध लिखा है भूकंप, तो उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बुखार है, डॉक्टर है, ताप है, पारा। देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है यानी रोक लेना, और अपने से ट्राई करना है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, और जरूर कॉमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न आपने सही कर पाए, और सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पर ले लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सिस्मोग्राफ का संबंध क्या है दोस्तों भूकंप, तो देखिए भूकंप को यानी कि मापने वाला, यहाँ पर इस तरीके से दिया है, यानी ई साइड से हम लोगों का ई साइड में जाएगा, यानी मापने यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, मापने वाला हम लोगों के सामने क्या है, यंत्र है, ये पहले बता देते हैं ना तो कंफ्यूजन बना रहेगा, मापने वाला यंत्र है। जैसे भूकंप को हम लोग किस में मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ में, उसी प्रकार से थर्मामीटर में हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों, आपको पता है कि ताप को जो है हम लोगों को थर्मामीटर से मापा जाता है, यानी टेम्परेचर जो ताप होता है वो किससे मापते हैं, तो थर्मामीटर से मापते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टैंड, किसी का आप पारा आ जाएगा, किसी का डॉक्टर कर देगा, कोई बुखार कर देगा, सारा सर गलत हो जाएगा। तो थर्मामीटर का प्रयोग जो है ना हम लोगों का, यानी ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा।
अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे प्रश्न आया एकदम, इसीलिए हम थोड़ा सा समय देते हैं, टिक करते हैं, ताकि आप तब तक में कर लें कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए। अब हम बताते हैं ऐसा क्या करें, इस बीच नंबर वाले इसमें इसी में करना है ना, तो इन सभी नंबर को क्या करें जो आ जाएगा। ये देखिए उसने क्या किया है, तो सीधा सीधी अगर बात किया जाए दोस्तों, तरीका बता देते हैं कि आप कैसे इस प्रश्न का आंसर, देखिए इधर से लेना है, चार गुना दो इधर से हो जाएगा और तीन गुना एक इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करना है दोस्तों, यानी इसमें इधर से कर देना है और इसमें हम लोगों के सामने इधर से ले लेना। इसी प्रकार से इसमें आपको इस साइड से गुना करना है और इसमें क्या करना है दोस्तों, इस साइड से गुना कर, बस आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि तीन गुना एक ले लेते हैं, तीन अगुना में एक कर देते हैं, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों, चार अगुना में क्या कर देना है, दो कर देना है, तो तीन एक तीन और चार दुना क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, आठ तीन क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्यारह हो जाएगा। तो देखिए बीच में उसने ग्यारह लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए ना आपको जरूर ग्यारह दिख रहा है इस बीच में, बिल्कुल सर समझ में आ गया कि कैसे लिखा है। उसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए, यानी कि दो अगुना क्या कर देंगे, चार कर देंगे, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों, पाँच अगुना हम लोग तीन कर देंगे, तो देखिए चार दुना आठ, अब प्लस का प्लस पाँच दिया क्या हो जाएगा, पंद्रह, आठ क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने, तेईस हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला वाला का देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यानी इसका वाला यहाँ पर कर लेते हैं, तो इस जगह पर हो जाएगा दो अगुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, पाँच हो जाएगा, अब प्लस का प्लस यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, इधर हो जाएगा छः अगुना क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो पाँच दुना दस, अब प्लस छः दिया क्या हो जाएंगे, अट्ठारह हो जाएंगे, यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएंगे, अट्ठारह आ जाएगा। तो अट्ठारह और दस जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, अट्ठाईस आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अट्ठाईस आ जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया, वह संख्या कौन सी है जो एक के सामने वाले फ्लग पर आएगा, तो एक के सामने वाले फ्लग पर बताना है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आना चाहिए। तो चलिए बताते हैं, ये देखिए आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ना कॉमन देखना होता है कि क्या मिल रहा है दोनों पासा में। अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए दो और चार यहाँ भी दिख गया, तो दो और चार उसी प्रकार से इसमें भी देखिए दो और चार दिख गया, तो उसने कहा था कि वह संख्या चुना जो एक के सामने वाले फ्लग पर, तो अब जो एक बचा उसके सामने कौन सा जगह, एक के सामने हम लोगों के सामने तीन हो जाएगा, क्योंकि दो और चार तो कॉमन है, वो दोनों पासों में मिल रहा है। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका जो देखते ही आंसर आ जाएगा कि दो और चार तो दोनों पासा में है, दोनों में यानी दोनों में कॉमन है, पहला इसको मान सकते हैं कि पहला पासा, इसको मान लेते हैं दूसरा पासा, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन रहा था, एक के सामने क्या बच रहा है, तीन, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक के सामने क्या आ जाएगा, तीन। एकदम देखते ही आंसर हो जाएगा, मुश्किल से कुछ सेकंड लगेगा और आंसर कर लेंगे, बशर्ते आपको तरीका मालूम होना चाहिए, ट्रिक मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, कॉमन जो हुआ दो और चार मिल गया, दो चार मिल गया तो बचा एक, एक के सामने क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आराम से करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेगा। अब देखिए एनालॉजी का सवाल, इसका संबंध इस तरीके से, इसका संबंध क्या होगा और कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको बताते हैं। जैसे उसने लिखा है दोस्तों, ए लिखा है ना, यहाँ पर एफ लिखा है, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, आई दिया गया, तो ठीक है ए एफ आई का संबंध उसने क्या लिखा है, एम लिखा है। पहले एकदम क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह, देखिए एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, और क्या लिखा है दोस्तों, ए लिखा है, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, देखते ही आंसर कर सकते थे, बशर्ते आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ए का नंबर क्या होता है, ए बी सी डी में एक होता है, ए बी सी डी में क्या होता है दोस्तों, एक होता है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए एक कर सकते हैं। एफ के लिए नंबर क्या होता है हम लोगों के सामने, छः होता है। आई के लिए क्या होता है दोस्तों, नौ होता है, ठीक है, और एम का स्थान क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, तेरह होता है, तो ठीक है। उसी प्रकार से ए का स्थान आपको पता है एक होता है, बी का स्थान क्या होता है दोस्तों, दो होता है, और ए का स्थान क्या होता है दोस्तों, एक होता है। इस तरीके से उसने कर लिया,
अब यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर यह है, उसने क्या किया इसी पे क्या कर दिया दोस्तों, रूट लगा दिया। और रूट लगा दिया तो रूट का मान क्या कर दिया दोस्तों, 13। तो उसी प्रकार से इस पर रूट लगा देंगे तो रूट 121 का मान क्या आता है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, रूट 121 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा। तो देखिए 11 हम लोगों के सामने किसका हो जाएगा, तो के का हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस सब को लिख दिए हैं इस तरीके से, आंसर क्या हो गया ए हम लोगों के सामने सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, यानी क्या आ जाएगा हम लोगों के, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कौन सा आ जाएगा, तो के आ जाएगा। अभी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से आएगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। सीधी सी बात है, ए का स्थान क्या होता है हम लोगों के सामने, एक होता है, एफ का स्थान 6 होता है और 9 होता है। उसी प्रकार से इस पर रूट लगा दिया और रूट लगा के इसका मान क्या लिखा है दोस्तों, 13 लिखा, और 13 जो होता है एम का होता है। उसी प्रकार से आपको पता है ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, इसी का रूट निकाल देंगे इसका हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा, और 11 हम लोगों के सामने किसका आ जाएगा दोस्तों, के का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, के आएगा, और बता भी चुके हैं पीछे। अगला प्रश्न का जो पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए देखिए, देखिए आप देखेंगे और आंसर कर लेंगे। जैसे इसमें अगर आप फिगर को देखिए, इसमें कितना सारा लाइन का प्रयोग है, इस तरीके से आप फिगर को देखेंगे तो इसमें 4 लाइन, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो इसमें कितना है दोस्तों, 3 लाइन। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो हम लोगों के सामने 2 लाइन यानी कि प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि देखिए यहीं से आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। कि इसमें अगर 3 है तो इसमें हम लोगों के सामने, यहाँ पर अगर इसमें हम लोगों के सामने 4 है, इसमें क्या किया है दोस्तों, 3 किया है, इसमें हम लोगों के सामने क्या है, 2 है। तो उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 4 फिगर इसमें है, इसी प्रकार से इसमें 2 है, वो कहीं भी दे सकता है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ये वाला में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा, और इसमें क्या लिखा है, 3। उसी प्रकार से देखिए, इसमें अगर 2 है, इसमें 4 है, तो अगला वाला जो फिगर इस जगह पर आएगा 3 आएगा, तो 3 आएगा, तो यानी इस तरीके से कहीं से भी इस तरीके से निकालेगा 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, बाकी कोई नहीं होगा, आप ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बस सिर्फ लाइन देखिए, जो फिगर क्या हुआ, जैसे इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से किया है, तो इसमें क्या क्या है, 4 को इस तरीके से उसने दिया गया। उसके बाद जैसे ही देखेंगे तो यहां पर उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से जो फिगर बनाया है इसमें क्या, वो 3 को, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो इसमें 2 को, इसी प्रकार से यही चलेगा। मतलब 4 3 2 कहीं फिगर इस तरीके से रखा हुआ, किसी में 4 है तो 3 है, किसी में 2, तो उसी प्रकार से जब नीचे वाला में जाएंगे तो 2 आ गया, 4 आ गया, हम लोगों के सामने 3 वाला बचा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सीधा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहां पर जो फिगर आएगा हम लोगों का 3 वाला आएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, क्योंकि सब में देखिए ना, आप डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि यहाँ पर सर 4 फिगर है, इसमें 3 है तो इसमें 2 है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए, 4 यहाँ पर मिल गया तो इसमें हम लोगों के सामने 2 मिल गया, इसमें हम लोगों के सामने 3 मिल गया। उसी प्रकार से 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो इस तरीके से मतलब फिगर में लाइन को देखना, ये नहीं कि सीरीज सर 4 3 2 है, कहीं 3 2 आ रहा है, उससे मतलब नहीं। फिगर सब में देखिए, 4 लाइन 3 लाइन 2 लाइन, इसमें अगर 3 2 इस तरीके से दिया है, उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। करें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि दर्पण में एक तरीके का पार्श्वर प्रतिबिंब बनता है, जब दाएं देखते हैं तो बाएं बनता है, और बाएं देखते हैं तो दाएं बनता है। तो उसी तरीके से इस फिगर को हम लोग जब देखेंगे तो कैसा बन जाएगा, तो जो सामने वाला है उसी तरीके से हम लोगों का क्या बनेगा, यानी कि आप जब इस डायग्राम को बनाएंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से ले लेते हैं, यानी यहाँ पर, और उसी तरीके से इधर से ले लेते हैं यहाँ पर, और हम लोगों के सामने इधर से जैसे ही इसको बना लेंगे, मतलब फिगर को अगर पूरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए आपका किस किस तरीके का बनेगा। यानी सबसे पहले हम लोगों के सामने अगर फिगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 फिगर दिया गया है तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से
जैसे कि क्योंकि देखिए जो मिरर में देखें सबसे पहले एक वाला बनेगा, उसी प्रकार से क्या बनेगा दोस्तों दो वाला, जैसे यहाँ पर जो फिगर आ जाएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों दो इस तरीके से आ जाएगा, और त्रिभुज का जैसे सिंबल है तो त्रिभुज यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए दर्पण एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, जैसे सबसे पहले ऊपर में देखिए एक हम लोगों का यानी कि पॉइंट दिया गया, इसी प्रकार से दो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर भी कंफ्यूजन बना, किसी का ई आ जाएगा तो किसी का अलग अलग आंसर आने लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ऊपर में एक है तो ऊपर में एक रहेगा, ई साइड में दो है, क्योंकि दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले यही वाला दिखने लगेगा ना, उसके बाद त्रिभुज वाला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब चार में से तीन समान है एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आप जैसे ही देखेंगे ना तो एक तरीके से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जल प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब हम लोगों के सामने कैसे हो रहा है, देखिए इस जे को जैसे देख रहे हैं तो जे का इस तरीके से हुआ, उसी प्रकार से एम को देखा जाए तो एम क्या हो जा रहा है दोस्तों, उलट जा रहा है। उसी प्रकार से ए के या तो आप जल बोल सकते हैं या दर्पण भी लगा के देख सकते हैं तो उसी तरीके से हो जाएगा। जैसे एम को भी देखेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन आप जैसे भी कीजिए जल प्रतिबिंब से कीजिए या दर्पण प्रतिबिंब से जिससे भी कीजिए, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एफ को जैसा का जैसा ही रख दिया, ऊपर नीचे हम लोगों के सामने समान रख दिया, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बी वाला। और बी वाला को देखिए ऑप्शन नंबर डी में रखा है, यानी बी वाला को किस में रखा है, तो ऑप्शन ए वाला डी में रखा है, यानी बी वाला किस में हो जाएगा हम लोगों के सामने, डी में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी आकृति बी सही हुआ, तो बी को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखा जाए, काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है, और काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है कि समुद्र है, उसके बाद मछली है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, जीव जंतु यानी कि जंतु लिखा हुआ है, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ मछली इस जगह पर लिख देते हैं, कुछ मछली। देखिए इसका जो एकदम प्रीवियस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे मछली कुछ मछली हम लोगों के सामने इस तरीके से हो जाएगा, किस में पाया जाएगा तो समुद्र में पाया जाएगा। कुछ मछली किस में पाया जाएंगे दोस्तों, समुद्र में पाया जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कुछ मछली आपको पता है कि नदी में पाया जा सकता है, झील में पाया जा सकता है, तालाब में पाया जा सकता है, तो बहुत जगह पाया। तो उसी प्रकार से कुछ मछली हम लोगों का समुद्र में जाएगा, और कुछ जीव जंतु हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि जंतु किस में आ जाएंगे तो समुद्र में आ जाएंगे। तो इस जगह पर आपका क्या लिख सकते हैं, जंतु लिख सकते हैं। कुछ देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा स्टैंड का यहाँ पर बी आएगा जो सारा सर गलत है, कोई ए कर रहा है तो और गलत होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए कुछ मछली आपका समुद्र में पाया जाएगा, कुछ मछली आपको पता है नदी में पाया जा सकता है, तालाब में, झील में, कहीं भी पाया जा सकता है, और उसी प्रकार से कुछ जंतु हम लोगों का समुद्र में पाया जाता है, तो कुछ जंतु हम लोगों का नदी, तालाब, झील तो अलग अलग जगह पर पाए जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर किसी ने बी किया, ए किया, डी किया तो आंसर गलत होगा, क्योंकि प्रीवियस में जो पूछा गया क्वेश्चन और आंसर दिया है तो ऑप्शन नंबर सी को दिया, और सी वाला ही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, नवा नंबर क्वेश्चन दिया, वेन आरेक यानी वेन डायग्राम से सही संबंधित प्रश्न दिया गया, अगर कह रहा है कि अगर त्रिभुज की आकृति चिकित्सक को, ये भी बता दिया कि ई किसको दर्शा रहा है, चिकित्सक को दर्शा रहा है, ई भी किसको दर्शा रहा है, तो महिला को दर्शा रहा है, उसके बाद ई किसको दर्शा रहा है, शिक्षक, सब चीज दे दिया है। तो कह रहा है कौन सा अंक जो है महिला, देखिए यहाँ पर महिला भी होना चाहिए, शिक्षिका भी होना चाहिए और चिकित्सक भी होना चाहिए, तो तीनों में आना चाहिए। तो तीनों में अगर देखा जाए तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों में आ रहा है, ये चार को जैसे ही देखेंगे तो चिकित्सक भी हो गया, महिला भी हो गया, शिक्षिका भी हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न है जो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा और आंसर हो जाएगा, बस आपको तरीका समझना होगा कि किस तरीके से आंसर किया। कुछ महिला हो गया, चिकित्सा हो गया, उसके बाद शिक्षिका हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी चार इस प्रश्न का आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीनों में कॉमन देखिए ना, चिकित्सक हो गया, महिला और शिक्षिका, तीनों में कॉमन है चार।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर इस फिगर को इस तरीके से दिया गया है, तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया। तो देखिए इसने क्या क्या है, जैसे कि गोले में क्या क्या है, एक इधर से और बीच में एक छोटा गोला में लगा के इस तरीके से क्या क्या उसने बनाया, तो उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। यानी सबसे पहले एक आप इस तरीके से वर्ग बना लेंगे और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जैसे उसमें भी गोला था यहाँ पर जैसे एक छोटा जैसा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से वर्ग होगा। और इसी में आपको यहाँ से जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है और ये वाला इधर से और इधर से, तो ऐसा बनना चाहिए। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिख रहा है। देखिए इसमें एक अलग है, यानी ऊपर से इस तरीके से क्या ऐसा नहीं होगा, हम लोगों का विकर्णता जाएगा ना, तो विकर्णता जिस प्रकार से जैसा था तो वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ई एक अलग आकृति का निर्माण कर रहा है, इसमें देखिए एक अलग हो जा रहा है, ये वाला आपको कन्फ्यूजन करवाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, आप अगर ध्यान से देखें ना, ई एक अलग आकृति के टाइप में बन रहा है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। प्रीवियस में जो दिया है ए वाला, बाकी ई सब तो होबे नहीं करेगा, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बार आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसा इस तरीके से आकृति है, ई आकृति एक अलग आकृति, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एक थोड़ा अलग आकृति बन रहा है, देखिए इस तरीके से हो जा रहा है, लेकिन जैसा ये वाला आकृति दिया ना, उसी प्रकार से अगर आकृति का आप निर्माण करते हैं तो ये वाला आकृति आपका होगा इस आकृति से ये वाला, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से आपका सबसे पहले वर्ग बनेगा और एक छोटा जैसा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, वर्ग बनेगा, एक यहाँ से डालेंगे, एक यहाँ से और इस तरीके से और इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। बी नहीं करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा और गलत हो जाएगा, लगेगा कि सर बी वाला भी तो आकृति एक जैसा है, तो आप कैसे कर रहे हैं, तो वैसा नहीं, देखिए एकदम छोटा जैसा है ना, इसमें देखिए कितना बड़ा कर दे रहा है, इसको भी तो आप देखिए, और ऊपर से इसको देख रहे हैं तो इसमें बड़ा कर दे रहा है, जबकि एकदम छोटा सा आकृति बना हुआ है, तो छोटा वाला ही लेना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। तो चलिए देखिए आप कैसे करेंगे, तो इस जगह पर सबसे पहले तो इस तरीके से आएगा, वो बात तो ठीक है सर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो निशान दिया गया है, एक गोले के अंदर में आधा पेंट किया, एक आधा पेंट नहीं किया, तो उस पर कैसे फोकस किया जाएगा, था अब हम बताते हैं। देखिए आपका आंसर कैसे होगा जानते हैं, ये देखिए यहाँ पर आंसर तो इस तरीके से करना है, यानी इसको क्या लेना है दोस्तों, इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ लेना है और ये वाला को इसके साथ लेना है, तब जाके आपका हो जाएगा विकर्णता। अगर फिगर को लेंगे, जैसे देखिए ऊपर में पेंट क्या हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीचे में पेंट क्या हो जा रहा है, ऊपर में क्या है तो ये नीचे में, जब इस साइड में पेंट क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पर जैसे इस तरीके से आप गोला बनाएंगे और इस जगह पर लेंगे, तो जैसे इस साइड में पेंट किया था, हम लोगों के सामने पेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, तो इस तरीके से आएगा। यानी आपको विकर्णता फिगर को देखना है, तो विकर्णता जैसे ही फिगर को देखेंगे तो देखते ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए हाई कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से आंसर हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि विकर्णता फिगर को देखिए, जैसे ही ऊपर में पेंट इसको नीचे में, जब ई साइड में अगर पेंट किया हुआ है दायां साइड में, तो इसमें जब हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, बायां भाग में पेंट हो जाएगा, इस तरीके से लेंगे और ई साइड में क्या हो जाएगा, ई साइड में आपका पेंट हो जाएगा, तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकर्णता फिगर को देखना, यानी कहने का मतलब इधर से ये वाला फिगर हम लोग लिए और इधर से ये वाला फिगर लिए, यानी दोनों फिगर को अगर आप यहाँ से देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें क्या हुआ है हम लोगों के सामने क्या, तो उसने नीचे पेंट किया हुआ, तो इसमें हम लोगों के सामने क्या कर दे रहा है, तो ऊपर यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ऊपर पेंट कर दे रहा है, तो उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोगों के सामने अगर ई साइड में पेंट किया है, तो अगला जो हम लोगों का फिगर बनेगा इस जगह पर, तो किधर हो जाएगा, ई साइड में पेंट हो जाएगा, तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया, यानी पेपर को मोड़ के कट करके खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, और वो इंडिकेट भी कर रहा है, यानी संकेत दे रहा है कि पहले इस तरीके से पेपर मोड़ना है, फिर यहाँ से पेपर मोड़ना है और इस जगह पर कट करना है, उसी प्रकार से एक कोना पर मोड़ के उसने दिखा दिया कि अब बताना है कि जब पेपर को खोलेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले जैसे इधर से आया तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा,
यानी हम क्या करते हैं जूम करके दिखाते हैं, क्योंकि उतना सा फिगर में बनाएंगे ना तो हम लोगों से होगा नहीं। उसने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से एक भाग को मोड़ के दिखाया। तो देखिए ना एकदम जूम करके दिखा रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले एक गोले का निशान यहाँ पर हो जाएगा, यानी एक गोला का निशान जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जैसे उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से फिगर को बनाया, इस तरीके से यहाँ पर फिगर को दिखाते हैं। लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सबसे पहले हटाइए, यहाँ पर एक छोटा जैसा गोला ले लिया, उसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या हुआ है, उसी प्रकार से इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके उसी प्रकार से एक गोला का निशान इधर से होगा तो यहाँ पर हम लोगों के सामने, यानी कि इधर नहीं होगा, यानी सबसे आखिरी में जाएगा, यहाँ पर गोला का निशान हो जाएगा इस जगह पर, और इधर हम लोगों के सामने इस तरीके से, और इधर फिर हम लोगों के सामने इस साइड से, उसी प्रकार से एक गोला का निशान यहाँ पर हो जाएगा तो हम लोगों के सामने ये इधर से हो जाएगा और एक फिगर इधर से आ जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह पर गोला का निशान होगा और इसमें हम लोगों के सामने फिगर इधर से हो जाएगा और इसमें भी फिगर इधर से हो जाएगा। तो देखते हैं इधर इसमें तो गोला कहाँ कहाँ ले गया, इधर ऊपर में गोला ले गया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे यहाँ पर एक गोला का निशान है, इसी जगह गोला बनेगा, एक गोला इसी जगह बनेगा, एक गोला, चारों गोला मतलब एक जगह पर ही रहेगा। मतलब नहीं होता है कि जितना दूरी पर, जैसे यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देखा जाए तो इसमें भी देखिए गोले का निशान कहाँ कहाँ ले गया, एक गोला यहाँ पर कर दिया, इसमें भी गोला देखिए ऊपर कर दिया, ये दोनों पॉसिबल हैं। उसमें क्या किया फिगर को देखिए, इधर ई साइड से और एक ई साइड से, ऐसा नहीं कि जब खोलेंगे फिगर तो ई पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे ही पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न आए तो आपको एक तरीके से मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब लगाकर इसको खोल लेना है। जैसे इस फिगर को देखिए ना, आप दोनों फिगर को जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए आपका आंसर क्या निकलेगा, डी निकलेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी वाला सही होगा। देखिए वैसे तो आप ए नंबर कभी कर ही नहीं सकते हैं, बी नंबर कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक गोला है तो इसी जगह आएगा, इसी जगह आएगा, इसी जगह आएगा, यानी चार गोला इसी जगह एकदम सेम जगह पर रहेगा। तो इस सब में देखिए गोला यहाँ पर ऊपर किया है, इसमें भी किया है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पर सेम है लेकिन इसमें क्या क्या है, ये देखिए एक फिगर इन नीचे वाला फिगर को उलट पुलट कर दिया, और इसमें देखिए जैसे इस फिगर को इधर से आए तो खोलेंगे तो हम लोगों के सामने ई फिगर इधर से आएगा और ये वाला फिगर इधर से आएगा, तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसी प्रकार से ऊपर फिर इस साइड वाला जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखिए पिक्चर को इस प्रकार लिखा है, स्टूडियो को इस प्रकार लिखा है, तो टेलीविजन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ए को बताएंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए उसने कुछ भी नहीं किया, जैसे पी उसके बाद यहां पर हो जाएगा आई, फिर हम लोगों के सामने सी टी यू उसके बाद आर और यहाँ पर ई। तो देखिए टोटल हम लोगों के सामने कितना लेटर है, तो दो दो चार दो छः, यानी यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, ये देखिए एक लेटर दो लेटर, इसको तीन लेटर, ये चार लेटर पांच लेटर, देखिए दो दो चार दो, अच्छा अच्छा सात लेटर है। अच्छा यहाँ पर कितना हो रहा है, दो दो चार दो छः एक सात हो रहा है, तो सात में से उसने क्या कर दिया दोस्तों, एक घटा दिया यानी छः लिख दिया। देखिए आपको बता देते हैं कि टोटल उसने सात लेटर है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए एक हो गया यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखते ही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, एक लेटर दो लेटर तीन लेटर, उसके बाद ई चौथा ई पाँचवा ई छठा ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, सात। तो टोटल अगर हम लोगों के सामने सात है, सात में जैसे ही आप एक घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों, छः आ जाएगा। यानी यहाँ पर बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, छः आ जाएगा, सात में से एक जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, छः आ जाएगा। इस जगह पर देखिए ना आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने क्या किया। इसी तरीके से आप दूसरे वाला को चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए स्टूडियो को ले लेते हैं, एस टी उसके बाद हो जाएगा यू डी आई और क्या हो जाएंगे दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो इसमें कितना लेटर है, दो, ऐसे ले लीजिए एक, उसके बाद दो तीन और चार पाँच छः, तो क्या करेंगे दोस्तों, आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, छः में से आप जैसे ही एक घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो पाँच आ जाएगा। तो देखिए उसने पाँच लिखा है कि नहीं, स्टूडियो को क्या लिखा है, पाँच लिखा है। उसी प्रकार से आपको टेलीविज़न का निकालना है, तो चलिए टेलीविज़न का ले लेते हैं। तो देखिए आप इस जगह पर टेलीविज़न ऐसे ही कर लें, कितना लेटर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो दस
10 है तो लेकिन टोटल आपको काउंट करना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा। जैसे टेलीविजन है तो 1 2 उसके बाद 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल अगर 10 है तो 10 में से आप क्या कर लीजिए दोस्तों, 10 में से जैसे ही 1 घटा देंगे आपका कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों के सामने, 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि एक तरीके से उसने टोटल नंबर दिया था। जैसे पिक्चर में देखिए लिखने के लिए टोटल कितना हम लोगों का लेटर का प्रयोग किया है तो 7 में 1 घटा दिया 6, उसी प्रकार से स्टूडियो को लिखने के लिए हम लोगों का टोटल 6 है तो उसमें 1 घटा देंगे 5, उसी प्रकार से टेलीविजन में टोटल कितना लेटर हो रहा है 10 में 1 घटा देंगे 9 होगा। अगला प्रश्न निकाल जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा, देख लीजिए कि कैसे करेंगे, लेकिन सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका ही बताएंगे। जैसे लिखा है ए, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने सी, यहाँ पर हो जाएगा ई, फिर लिखा है जी, फिर हम लोगों के सामने आई और क्या लिखा है दोस्तों के लिखा है, तो इसको इसका कोड क्या क्या दिया है, वाई लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डब्ल्यू है, फिर हम लोगों के सामने यू है, यू के बाद लिखा है एस लिखा है, फिर हम लोगों के सामने क्यू और क्या लिखा है दोस्तों ओ लिखा। अच्छा अच्छा यहाँ पर देखा जाए आई के ओ, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने ले लिया तो उसी प्रकार से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अब इसका निकालना है बी ई डबल एल का निकालना, देखिए इसमें थोड़ा समझना होगा क्या लॉजिक लगा है विपरीत क्रम का, उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने विपरीत क्रम। अब विपरीत क्रम कैसा विपरीत क्रम चला है तो आपको पता है कि विपरीत क्रम, ए का विपरीत क्रम क्या होता है जेड होता है, बी का विपरीत क्रम क्या होता है वाई होता है, सी का विपरीत क्रम एक्स होता है, डी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों डब्ल्यू होता है। तो इस तरीके से आपका सब का क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग मतलब दिया होता है विपरीत क्रम इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से लॉजिक जो सबसे मेन निकला है, ए का विपरीत क्रम क्या होता है हम लोगों के सामने, ए के लिए अगर विपरीत क्रम देखा जाए तो हम लोगों के सामने जेड होता है, उसने क्या किया दोस्तों जेड होता है और जेड में एक लेटर। सी का विपरीत क्रम क्या होता है एक्स होता है, ई का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों भी होता है, जी का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने टी होता है, आई का विपरीत क्रम आर होता है और के का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों जे हम लोगों के सामने, अच्छा के का पी होता है, के का क्या होता है दोस्तों पी होता है। उसी प्रकार से बी का विपरीत क्रम देखा जाए तो वाई हो जाएगा, ई का विपरीत क्रम भी हो जाएगा, एल का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। लेकिन अभी सब चीज आ जाएगा, ऐसा है नहीं कि समझ में आएगा। यहाँ से इसका ई क्या हो गया विपरीत क्रम, इन सभी का क्या करना है दोस्तों पहले विपरीत क्रम लिख देना, इन सभी का क्या करना है विपरीत क्रम और इन सब में अब एक एक लेटर घटा दीजिए। जैसे ही यहाँ से इसमें एक लेटर क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे, उसी प्रकार से इसमें आपको एक लेटर घटा देना है, यहाँ से इस पर क्या करना है एक लेटर घटा देना है, उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों एक लेटर घटा देना है, इसमें क्या करना है एक एक लेटर घटा देना है। तो जैसे ही विपरीत क्रम करने के बाद एक एक लेटर क्या करना है घटा देना, तो y में जैसे ही देखिए एक लेटर घट जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। अब v में जैसे ही घट जाएगा तो आपका u हो जाएगा, o में घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों n हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा n, यानी इस सब का पहले सबसे पहले तो आपका विपरीत क्रम, यहाँ से देखिए इसका विपरीत क्रम लिख दिए और विपरीत क्रम करने के बाद सब में क्या किए एक एक लेटर का कमी किया, यहाँ एक लेटर घट जाएगा, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों एक लेटर का कमी कर देना है, उसी प्रकार से इसमें एक लेटर का कमी करना है, इसमें भी आपको एक लेटर का कमी करना है और इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों एक लीटर का कमी कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा सही होगा, विपरीत क्रम करने के बाद एक एक लीटर का क्या क्या उसने कमी किया है। सबसे पहले देखिए हमने विपरीत क्रम लिख लिया, उसके बाद एक एक कमी करेंगे तब जाके आपका कोडिंग डिकोडिंग निकलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न निकाल जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब क्या दिया है, जैसे ए नंबर हो गया, फिर हम लोगों के सामने सी नंबर हो गया, फिर डी नंबर हो गया, तो ये सभी ए बी सी, इसको ले लीजिए ए बी सी और डी, तो ये सभी क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको छोड़ देना है, ये वाला को क्या करना छोड़ देना, तो इस जगह पर लिख देते हैं ये सभी आकृति, ये सभी हम लोगों के सामने ये सभी आकृति दर्पण प्रतिबिंब है, क्या हो जाएंगे दोस्तों आकृति हम लोगों का क्या हो जाएंगे दर्पण प्रतिबिंब है, क्या हो जाएंगे दर्पण प्रति
बिंब है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। ये देखिए आप जैसे ही आर को देखेंगे तो आर का, ये देखिए आर जैसे दर्पण प्रतिबिंब में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आर को देखेंगे तो इसी तरीके से निकलेगा। उसी प्रकार से जैसे क्यू को देखेंगे, इस जगह पर अलग अलग अति से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे ये देखिए क्यू यहाँ पर आपको पता है कि क्यू जब हम लोगों के सामने इस तरीके से रहता है तो इसको दर्पण में देखेंगे तो आपका ई वाला क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से जेड आपको पता है इस तरीके से होता है, जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो आपका जेड इस तरीके से बनेगा। तो जी को जैसे ही देखने जाएंगे, यानी सब क्या है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन जी वाला यहां पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा सही होगा। यानी कि जी को जैसे ही देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ सब हम लोगों का ये सब आकृति दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन जी तो इस तरीके से होता है, जी को जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो जी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आपका जी बनेगा, ऐसा बनेगा, और जी ऊपर से कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए, तो ये कथन दिया गया है और पूर्व धारणा दिया गया है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी कंप्यूटर की शिक्षा हम लोगों के सामने क्या करना चाहिए, स्कूल से ही शुरू कह रहा है, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, तो कंप्यूटर सीखना आसान है तो ये बात सही कर रहा है, तभी तो स्कूल से शुरू कर रहा है, इसको क्या कर रहा है स्कूल से शुरू कर रहा है, यानी कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करना चाहिए तो ये बात सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए, कंप्यूटर सीखना आसान है, अगर आसान नहीं रहता तो स्कूल से फिर ही शुरू क्यों करता, यानी ये बात हम लोगों का पूर्व धारणा निकाल सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है, तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि नौकरी, लेकिन ये बात जिक्र हुआ है क्योंकि पूर्व धारणा है, तो ये पूर्व धारणा निकाला जा सकता है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए, तो कंप्यूटर सीखना आसान है, तो ये बात हम लोगों का कहा जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हम लोगों का एक, हम लोगों का धारणा क्या है अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।